सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत का मतलब खुरत है। गुजरात में भाषण की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि सूरत इतिहास का अनुभव वर्तमान में रात और भविष्य में दुर्गति है। काम में ढिलाई न बरते और खाने में कंजूसी न करे। वही हीरा उद्योग के इस डायमंड ब्रूस को दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा कहकर सराहा गया। प्रधानमंत्री ने सुरती की ताकत को बेमिसाल बताया। सूरत की यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही। अंग्रेज भी वैभव देखने आए। विश्व के सबसे बड़े जहाज बनाए गए। इस शहर पर बहुत खतरा आया, लेकिन सुरतियों ने मिलकर सबका सामना किया। 84 देशों की यात्रा कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ 125 देशों के झंडे लहराएंगे। मोदी ने सुरतियों की तारीफ करते हुए कहा कि सुरती लोग सड़कों पर नहीं निकलते, बल्कि देश विदेश में खूब घूमते हैं। 45 साल पहले में सौराष्ट्र से सूरत आने वाले लोगों को ये कहते हुए सुना था कि सौराष्ट्र में दो बाइकें टकरा जाए तो तलवारें निकाल लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ सूरत में ये कहकर निपटा दिया जाता है कि गलती आपकी भी है और मेरी भी। सुरती खाने पीने के शौकीन होते हैं। शरद पूर्णिमा पर दुनिया छतों पर जाती है और सुरती फुटपाथ पर बैठकर घारी खाते हैं। इसके अलावा सूरत में भारी बारिश हो रही है, कमर तक पानी है, लेकिन खाने के शौकीन जमकर बारिश में भी पकौड़े खाना नहीं भूलते।